तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तामी फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो की। तो जिन लोगों को नहीं पता पोर्टफोलियो होता क्या है, बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि आपके काम के वो सैंपल का कलेक्शन जो आप किसी क्लाइंट को, किसी इंटरव्यूअर को या किसी भी बंदे को दिखा सको, ताकि वो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको जज कर सके कि आप किस तरह काम करते हो, कितना क्रिएटिव आप हो और आप अपने काम को कितना सीरियस लेते हो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो हर बंदे का होना ज़रूरी है। अगर खासकर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, तो उनके लिए तो पोर्टफोलियो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू से पहले किसी को भी आप अपना पोर्टफोलियो भेजते हो, खैर वो आपसे पोर्टफोलियो मांग लेते हैं या फिर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, तो आपके पास सैंपल होने चाहिए आपके डिज़ाइन के। तो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के प्लेटफॉर्म। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि पहले की बात करते हो तो वहाँ पे सिंपल आपके पास हार्ड कॉपी होती थी कि आपने जो डिज़ाइन किया उनके आप हार्ड कॉपी लेके चले गए, वो आपके सैंपल को दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या होता है कि आप अपने सभी डिज़ाइन की JPG सेव कर लीजिए और अपने पेन ड्राइव को लेके घूमिए। ठीक है, अब जो चल रहा है वो है वेबसाइट के थ्रू डिजिटल पोर्टफोलियो। अब डिजिटल तो पेन ड्राइव में भी था, क्योंकि आप JPG सेंड कर रहे हो, किसी दिखा रहे हो, बट वो क्या है ना कि पेन ड्राइव भी एक रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको ढूंढनी पड़े, रखनी पड़े संभाल के। ठीक है, एक जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। बट अभी क्या है, जो आप लिंक के थ्रू सेंड करते हो अपना पोर्टफोलियो, वो आपका प्रॉपर डिजिटल पोर्टफोलियो है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी वेबसाइट है। देखिए, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी फ्री भी हैं पर उनके प्लान्स होते हैं, और सबसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो है Adobe पोर्टफोलियो, उसके भी प्लान्स है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं पैसा बचाने की, कि अगर आप एक स्टार्टिंग के ग्राफिक डिजाइनर बने हो और आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, तो आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते एक वेबसाइट के लिए, तो आप क्या करें कि आप सबसे अच्छा यहाँ पे गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे गूगल ड्राइव के अंदर, कि गूगल ड्राइव हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार गूगल ड्राइव के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो गूगल ड्राइव होता क्या है? गूगल ड्राइव एक आपका क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज मतलब कि आप वहाँ पे कुछ भी सेव करिए और आप उसको कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं विद इंटरनेट। आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए होगी, उसके लिए ही आप वहाँ पे, उसके बाद ही आप वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका डिजिटल। अब देखिए, आप कुछ भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। 15 GB आपको फ्री देता है, 15 GB कोई भी नहीं देता मेरे ख्याल से, बट गूगल ड्राइव अभी भी 15 GB फ्री देता है। तो 15 GB में अगर आपने 2 GB भी यूज़ कर लिया अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या करें कि अपने जो सारे पोर्टफोलियो है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो गाइस, जहाँ पे मैंने अपना एक पर्सनल छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार कर रखा है, सिंपल सैंपल के लिए, एक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, आप क्या करें कि पहले फोल्डर बना लीजिए। हाँ, सबसे मेन बात की है, जो भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हो गूगल का, वो आप पर्सनल अकाउंट यूज़ करें, ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे, किसी गलत बंदे के पास ना पड़े, ताकि वो कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो अकाउंट के अंदर वहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखा है, देखिए, माय डिज़ाइन देन पोर्टफोलियो। तो एक मेन पोर्टफोलियो का फोल्डर बनाइए, उसके अंदर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने डिज़ाइन को या फोल्डर को अलग कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट आइकन है, वेब बैनर्स है, बैटर्स है, पैम्पलेट है, अदर डिज़ाइन, लोगो, फ्लैग डिज़ाइन, डिजिटल मीडिया और एड डिज़ाइन, बाकी ये अलग कंपनी है। तो ऐसे आप अपने काम के हिसाब से अलग अलग फोल्डर डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी एक साफ़ सुथरा हार्ड ड्राइव के अंदर एक आपके पोर्टफोलियो बना हुआ है, जो कि आप पेन ड्राइव में लेके घूमते थे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि राइट क्लिक करके आप यहाँ पे उस फोल्डर को अपलोड कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर का भी ऑप्शन आ जाता है, जो कि बहुत ईजी है। अब आपने नहीं है, चलो आपके पास साफ़ सुथरा, तो आप यहाँ पे साफ़ सुथरा बनाए रखें। ठीक है, ध्यान में रखें कि आपका पोर्टफोलियो सिंपल और साफ़ सुथरा होना चाहिए। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फोल्डर, और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि वेब बैनर्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर बना रखे हैं, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स एंड करंट वेबसाइट बनाए। ठीक है, इनके अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह आपको मिल जाएंगे, बट आप अपने हिसाब से भी अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बना दें, अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना लीजिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे बना ले एक सैम्पल फोल्डर। तो अब क्या करें, सैम्पल फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप अपलोड फाइल्स कर सकते हो, या फिर इसके अंदर भी आप अपलोड फोल्डर कर सकते हो। अपलोड फाइल करोगे तो यहाँ पे आपके पास होता है मल्टीपल सेलेक्टेड का ऑप्शन, तो आप मल्टीपल फाइल्स भी एक साथ में अपलोड कर सकते हो।
तो बहरहाल ये हमारा हो गया अपलोड करने का सिस्टम। जब आप एक बार सारे के सारे डिज़ाइन एक तरीके से यहाँ पे अपलोड कर लें, उसके बाद क्या करना है आपको, वापस जो आपका मेन फोल्डर होगा, जैसे कि मेरा मेन फोल्डर है पोर्टफोलियो, तो इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास आता है गेट शेयरेबल लिंक, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिसको आप कॉपी कर लें और कहीं पर भी सेव कर लें, चाहे वो आपके पास फ़ोन के अंदर हो, फ़ोन के किसी भी नोट पैड के अंदर हो, कहीं भी सेव कर लीजिए, या फिर नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फ़ोन के अंदर ड्राइव के अंदर जाके इसको बाद में शेयर भी कर सकते हैं। तो आपने लिंक कॉपी कर लिया, अब आपको किसी के पास भेजना है। अब सपोज़ करो कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको आपने एक लिंक भेजा और मैं यहाँ पे उस लिंक को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, तो आपका यूज़र इंटरफेस कैसा आएगा, ठीक है, पोर्टफोलियो का, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसके सामने कुछ इस तरीके का UX या UI, या मान लीजिए UI आएगा। और अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास एड डिज़ाइन, बैक इट फास्ट वर्क, डिजिटल मीडिया, फ्लैग डिज़ाइन, वेबसाइट प्लान, इमकाना, जो भी होगा सब आ जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पे उसको दिखा सकता है किसी क्लाइंट को, दूसरे बंदे को, खुद देख सकता है या फिर डाउनलोड भी कर सकता है एक बार में। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हो एज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और भाई अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने डिज़ाइन की या जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये तो एक सिंपल चीज़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप अभी आप अपने पैसा बचा के रखो, थोड़ा ध्यान दो, आगे वेबसाइट बना लेना कोई अच्छी थी, पर अभी के लिए ये बेस्ट है। और मैंने देखा है, मैंने कई बार यूज़ किया है और बहुत से लोग भी यूज़ करते थे, कोई बुरी बात नहीं है। और बस यही आज के लिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लिंक को कॉपी करने के बाद किसी भी QR कोड के अंदर जनरेट कर सकते हो और फिर उसको अपने रिज्यूमे में लगा के, अगर सपोज़ करो कि आपके पास एक हार्ड रिज्यूमे आता है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपके पास एक हार्ड कॉपी आती है रिज्यूम की, CV की, और उसके अंदर एक लिंक होता है पोर्टफोलियो का, बड़ा लंबा लिंक होता है, सपोज़ करो ये लिंक है, ये जैसे लिखा है ना ऊपर HTTP, ये लिंक है, तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा, समझ रहे हो, आप उस हार्ड कॉपी से कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते, तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा। तो यार ये बहुत ही बेकार हरकत है, ऐसा मत करो। सिंपल है कि आप क्या करो, इस लिंक का एक QR कोड बना लो, ठीक है, और उसको वहाँ पे आप लगा दीजिए अपने CV के अंदर, और वो क्या करेगा कि अपने फ़ोन से स्कैन करेगा और आपका पोर्टफोलियो हाजिर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए अपने आप को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना ताकि हम बताते हैं कैसे QR कोड बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो फ्यूचर के अंदर मिलती रहे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।